पुलिस डाल डाल तो शराब तस्कर पात पात। जी हाँ, अवैध शराब कारोबारियों ने अब तस्करी का एक नया तरीका इजाद किया है। पुलिस की निगाहों से बचने के लिए वो लग्जरी गाड़ियों में अब कच्ची शराब की तस्करी कर रहे हैं। शनिवार को तिवारीपुर पुलिस ने थाना प्रभारी सतप्रकाश सिंह के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल की है। होंडा सिटी कार से लगभग 500 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया गया। बताते चले कि पुलिस को शंका ना हो इसीलिए कच्ची शराब ऐसे भी जा सकती है, इसके लिए बकायदा लग्जरी गाड़ी का इसमें प्रयोग किया गया था। चेकिंग के दौरान डोमिनगढ़ पुल के पास जब उन्हें रोका गया तो गाड़ी सवार दोनों कार छोड़कर भाग गए। कार तिवारीपुर थाना निवासी देवेंद्र के नाम रजिस्टर्ड है, जो अपने साथी बेलीपार थाना अंतर्गत रहने वाले बबलू उर्फ दीनदयाल के साथ उस समय घटना में कार में सवार था और पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। अरे यहाँ की स्थिति ये नहीं कि दोनों के सहयोग से जो हमारे इस पूरे क्षेत्र में कलर का टीका लगा था वो समाप्त के प्रति धीरे धीरे समाप्त। सारे जंगल और आबादी इसके बाद भी गोरखपुर की सर्वाधिक आबादी यहाँ बात करते कुर्बानियां होती थी और चारों तरफ उसके अवशेष बोरों में फेंके जाते थे। आपके तरफ से और हम लोग के तरफ से यहाँ पर हजारों लोगों की। इस बारे में सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया। थाना तिवारीपुर में आज सुबह नाव के जरिए, नदी के जरिए नाव से शराब उतारी जा रही थी, कच्ची और जहरीली शराब। उसे उतार करके एक लग्जरी गाड़ी हीरो होंडा और होंडा सिटी में लाद करके दो अभियुक्त ले जाने का प्रयास कर रहे थे, जिनका पुलिस ने पीछा किया। वो डोमिनगढ़ पुल से भागे और सूर बिहार पुल के पास पहुँचते उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, किंतु मौके का फ़ायदा उठा करके वो भागने में सफल रहे। लग्जरी गाड़ी में शराब 500 लीटर के करीब बरामद हुई है, जो जहरीली है और जिसके पीने से लोगों की मौत हो सकती है। बिक्री के लिए ले जा रहे थे और इसके पहले ही पुलिस ने सफलता